हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज है मतलब मंडे, और मैं मंडे को ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ, विच मीन्स कि आज मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मंडे को होता है मेरा ऑफिस एंड लॉट्स ऑफ मीटिंग्स। तो मंडे जनरली बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, एक तो मंडे और एक जिस दिन क्लोजिंग होती है उस दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो बस यही स्केड्यूल है। और अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं सृष्टि के, तो वही हम प्लान भी कर रहे थे कि हम कैसे कैसे ब्लॉग बनाएंगे। खैर चलो, वो सब तो बात की बात है। तो आज का दिन का एजेंडा ये है, क्योंकि हम लास्ट जब आपने देखा होगा ब्लॉग में गए थे तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांट रही थी कि गाड़ी ले ली है, गाड़ी चलाती नहीं है, और क्या बोलते हैं, जब भी तुम्हें बाहर जाना होता है तो या तो मेट्रो से जाओगे या कैब करके जाओगे। वैसे मेरे को सच बताओगे इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेट्रो से जाने के लिए, सही है यार। बाहर के कंट्रीज़ में जो डेवलप नेशन है वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा होता है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर नहीं करते हैं। तो चल ठीक है, वैसे गाड़ी ली है वो बहुत ही मतलब ये कि इतना पैसा लगाया, कोई महंगी चीज़ है तो उसे यूज़ करनी चाहिए। बट एक्चुअली मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रही थी, थोड़े अभी कुछ टाइम से उसमें क्या हो रहा था ना कि एक तो ज़्यादा चली नहीं है हमारी गाड़ी, 2 साल होने वाले हैं गाड़ी को, बट ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं, पर गाड़ी चली नहीं है। उसका जो एवरेज है, जो माइलेज है, वो बहुत ही कम देती है गाड़ी, पेट्रोल कार है वैसे भी। तो क्या कहते हैं, और अभी क्या हो रहा था लास्ट कुछ दिनों में, तो भाई वो 10 किलोमीटर चल रही थी तो 2000 का पेट्रोल उसमें गायब हो जा रहा था। तो इतना ज़्यादा हम उसको पेट्रोल भरवा रहे थे, और थोड़ा सा भी चला रही थी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने वो थोड़ी दिन चलानी ही स्टॉप कर दी। फिर आज इसकी सर्विस थी तो मैंने कहा कि चलो उसको मैं सर्विस की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, दिखाती हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो उसको दिखाने के लिए मैंने बुक तो कर दी थी, पर मैं खुद नहीं जा रही हूँ। मैंने उनको बोला था कि पिक एंड ड्रॉप आप मत कराओ, मैं खुद लेके आऊँगी गाड़ी, बट खुद नहीं जा रही हूँ। बिब्बू जा रहा है आज गाड़ी लेके, और बिब्बू के साथ लक्की जाएगा, मतलब लक्की के साथ बिब्बू जाएगा, क्योंकि बिब्बू को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो ये दोनों जाएंगे, ये देख लेंगे कि आप मतलब वहाँ पे दिखवा देंगे, लक्की अपने हिसाब से दिखा देगा गाड़ी। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ फिर मैं कुछ टाइम में गाड़ी में और भी जो मॉडिफिकेशन वगैरह के बहुत सारे काम कराने, तो वो थोड़े टाइम में अब कराऊंगी, पर अभी तो बिब्बू को बोलती हूँ जा। हेलो, दिस इज मी अगेन। बेसिकली जब इन लोगों का मन नहीं करता व्लॉग बनाने का, तो ये मुझे कैमरा थमा के बोलते हैं कि जा तू बना व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस करवाने, हमारी गाड़ी टाटा नेक्सॉन, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, जैसे वो पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, और क्या कहते हैं उसमें एवरेज बहुत ही कम आ रहा है, तो उसकी सर्विस करानी है आज ढंग से। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ आज, और मेरे साथ लक्की जा रहा है। तो अभी मैं लक्की के घर जाता हूँ, वहाँ से गाड़ी उठाते हैं, फिर चलते हैं टाटा के वर्कशॉप पे। तो लेट्स गो। देखो मैं अपनी गली का हाल दिखाता हूँ आपको, ये पूरी गली खुद रखी है। इससे पहले नालियाँ बननी थी सिर्फ, उसके बाद रोड बननी थी, लेकिन चलो अच्छा है, इनको पहले याद आ गया कि हाँ मीठे पानी के पाइप भी डालने हैं, तो अभी उनने वो डालना चालू किया है। तो देखते हैं, अभी इसको टाइम लगेगा 2-3 महीने और शायद पूरी रोड बनने में, फिनिश होने में। चलो चलते हैं। एक तो भाई दिल्ली की गर्मी का तो समझ ही नहीं आ रहा, सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश होएगी, इतनी तेज़ कि ठंड लग जाए भाई, मतलब इतनी तेज़ कि मेरे जैसे बंदे की नींद खुल जाए सुबह सुबह 5 बजे, और फिर शाम को भाई साहब इतनी धूप, इतनी तेज़ गर्मी, मतलब अभी भी इतनी तेज़ धूप नहीं है लेकिन गर्मी इतनी तेज़ है कि क्या ही बताएं। पहुंच गए हैं लक्की के घर, और ये रही हमारी गाड़ी खड़ी, अभी इसके दिखाएंगे शॉर्ट्स, दिखाएंगे इसके। लक्की सर भी मिल चुके हैं, दम डॉन। ये रही गाड़ी भाई, जो हाले की गाड़ी की तो हालत ख़राब हो रखी है ना कसम से। अभी दिखाएंगे इसके बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स, जो बब्बू दीदी ने इसके हाल किए हैं, अभी दिखाएंगे इसके क्या क्या इसको बोलेंगे एवरेज कर दे। चलो भाई निकल चुके हैं सफ़र पे लक्की के साथ, अभी लक्की चला रहा है गाड़ी, थोड़ी सी मैं भी चलाऊँगा थोड़ी सी आगे। वर्कशॉप तो पहुँच गए हम, लेकिन इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है इधर, पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, अभी देखते हैं। चलो भाई कुछ बात कर लिया अंदर, अब गाड़ी छोड़ दी, अब भाई जा रहे हैं, गाड़ी तो मिलेगी शाम को, पैदल जा रहे हैं, बिल बना के दे दिया उन्होंने, अब पैदल जा रहे हैं।
पैदल जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। भाई साहब पैदल चल चल के बस में आके थक गए हम। अभी हम सोच रहे हैं क्योंकि गाड़ी तो अभी हमें को मिलेगी 5-6 बजे के करीब, तो तब तक क्या करें, तो हम तक सोचा कि तब तक जिम चले जाते हैं। ये तो काफ़ी दिनों से गया नहीं है, 2 हफ्ते बाद जाऊँगा, 2 हफ्ते बाद ही जाएगा। मैं तो जा ही रहा था डेली, खैर मैं वैसे 4 बजे के करीब जाता हूँ, आज थोड़ा जल्दी चल जाता हूँ क्योंकि टाइम की वेस्ट करना। उसके बाद घर जाएंगे कपड़े वपड़े के बाद के, अभी कपड़े चेंज करेगा घर जाके, उसके बाद जिम करते हैं, जिम से वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद घर जाके नहाएंगे, पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे, उसके बाद फिर वहाँ चलेंगे गाड़ी लेने। चलते हैं इसको जिम दिखाते हैं तुम्हें आज। हाँ आज वर्कआउट भी रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा। हम फाइनली जिम पहुँच गए हैं, अभी बाहर से पानी की बॉटल ली है, जब तक पेपर तो लाया नहीं मैं, अभी कर लेंगे बढ़िया वर्कआउट। तो गाइस हम जिम में आ चुके हैं और अब चेस्ट मार रहे हैं, आज हमारा चेस्ट का प्लान है, चेस्ट मारेंगे। मैं तो काफ़ी दिन बाद आया हूँ, अब देखते हैं कैसा रहता है। अभी मैंने प्री वर्कआउट तो पी लिया है, अब देखते हैं कैसे मारते हैं, बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी क्या बोलते हैं गाने को पीछे इग्नोर करना, अभी हम चेक कर रहे हैं, पहले वार्म अप कर रहे हैं, पहले वार्म अप चेक कर रहे हैं। आज देखो छाती फटने को हो गई एकदम। वॉलेट तो लक्की के घर पे रह गया, अब वापस जा रहे हैं वॉलेट लेने, पहले उसके बाद खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो अभी हमने पोस्ट वर्कआउट मील तो कर लिया डन, मस्त अब पेट भर चुका है मेरा तो बहुत ज़्यादा। अभी हमने रैपिडो से एक ई रिक्शा बुक किया, वो आ रहा है अभी गाड़ी। चलो भाई भैया भी आ चुके हैं, जल्दी जल्दी चलते फटाफट। OTP बता दो। 6578। गाइज अंकल देखो कितनी मस्त व्हीकल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक। तो गाइज हम गाड़ी लेने पहुंच गए, अब जा रहे हैं पूरा सीधे सामने टाटा का शोरूम। शोरूम पे गई है, सर्विस सेंटर है, अब देखते हैं क्या क्या करा है ना। सुबह से शाम हो गई, हम भारी घूम रहे अभी तक। खैर वो टक टक जो वो गेट बज रहे थे हमारे, उनने तो हाँ आती वो तो सही हो गया था हमारे सामने, बाकी अब देखते हैं क्या 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 करा है उन लोगों ने, अब वहीं जाके देखते हैं। अभी बोलते हैं अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ तो आपको जब गाड़ी ले लेंगे तब दिखाएंगे। तो गाइज हमारी ना गाड़ी ये रेडी हो चुकी है, देखो पूरी चमक गई है। देखो गाइज देखो फुल चमक गई गाइज। तो गाइज अभी हमें गाड़ी मिल चुकी है और हम जा रहे हैं अब घर। बिब्बू भाई चला रहे हैं अभी गाड़ी, आ रहे क्यों बी रोल लेने के लिए। तो गाइस अभी आपको गाड़ी के सिनेमैटिक दिखाते हैं, हम एक बार शूट कर रहे हैं, आप देखो जब तक सिनेमैटिक।
खैर गाइस उजाले में बनानी चाहिए थी लेकिन लेट ही इतना हो गया पिक करते करते से, कुछ दिख नहीं रहा। कोई नहीं, चलते हैं पेट्रोल भराते हैं। तो गाइस अब हम पेट्रोल भराने आ चुके हैं, पेट्रोल भरा रहे गाड़ी में, फिर सीधा चलते सुबह से। अभी थोड़ा एसी में बैठे हैं हम, हाँ पूरी सुबह से हम गर्मी में घूम रहे हैं, अब जाके थोड़ा एसी में बैठे हैं। अभी तेल चल रहा है गाड़ी में, तो तेल हो रही है, टंकी हो रही है फुल। अब इसको लेके चलेंगे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, बढ़िया, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नहीं चली, अब चलानी है मैं बहुत ज़्यादा, अभी जाके कुछ होगा। गाइस हम पूरा दिन हो गया आज हमें, बार बार मैंने तो 3 बार कपड़े चेंज कर लिए, नहाया एक भी पानी में। बड़े दिनों बाद चला रहा हूँ, बहुत दिन बाद। अब भैया कोई भी नहीं चलाता तो तभी तो ऐसा हाल है गाड़ी का। गाइस को देखो कितनी चली है, 8087 किलोमीटर। अरे वाइपर चल गया, बंद हो यार। गाइस देख रहे हो कितनी शाइनिंग आ रही है, गाड़ी पूरी चमक गई, बस हम नहीं चमके। इसमें ये दिक्कत है यार, धूल वूल लगेगी ना तो उस पर बैठ जाएगी। गाड़ी तो हमने चमका दी पर हम नहीं चमके गाइस, हम अब घर जा के चमके। अब कभी हमारे को कोल्ड कॉफ़ी पीने की क्रेविंग हो गई, मैं एक बार देख के आता हूँ कोल्ड कॉफ़ी है कि नहीं। तो गाइस मैंने कोल्ड कॉफ़ी करा ली, दो देखते हैं कोल्ड कॉफ़ी गाड़ी में बैठ के आराम से पीएंगे। ये आ गई दोनों कोल्ड कॉफ़ी, घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, मैं लेट हो चुका हूँ बहुत, मैं क्या बिप्पू भाई और मैं दोनों लेट हो गए क्योंकि हम सुबह से बाहर हैं। गाइस हमारी कोल्ड कॉफ़ी आ गई, अब दोनों भाई पी रहे हैं अपना, बढ़िया। अब इसको एंजॉय करते हैं और घर चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि घर से बहुत बार कॉल आ चुकी है, अब घर जाना पड़ेगा हमें। तो भाई जी बुआ जा रहे हैं यहाँ से घर, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ गाड़ी लेके। मैं अब पी रहा हूँ, पैदल पैदल पीऊँगा जाके। हाँ मैंने तो अपनी पी ली भाई, चलते चलते गाड़ी में। रास्ते में जाम बहुत हो रहा था ना, बाजार भी लगा हुआ है आप। अब यहाँ से बुआ घर जा रहे हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। अब गाड़ी दौड़ानी है बस घोड़े की तरह, देखते हैं प्लान बनाते हैं। और गाइस देखो कल जाना है, स्कूल खुल रहा है कल, और आज स्टार्ट हो रहा है इसका मॉडल बनाना। बना क्या रही है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लग रहा है, कार्बन कंपाउंड बनाना क्या है इसमें, जब देर को ये बनाना ही था तो पहले ही बना देती, टूट जाएगा पागल है क्या। और इसके लिए गाइस ये सामान भी अभी लेने गई थी, ये इतनी बेशरम है। तो गाइस पीरू भी आ गई है यहाँ पे, एक सरप्राइज है, कुछ पार्सल आया है, नहीं कोई पार्सल आया है सरप्राइज, ये आया है जो तू लेके आई है। गाइस अब पीरू करेगी सिस्टी का पूरी रात हॉलिडे पर सुतावा, वो देखना है कि कल ये स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे सब ऐसे ही करते हैं भाई, मतलब सबसे पहले तो ये देखना है कि अब स्कूल कल जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि भाई अभी तो 10 बजे तो शुरू हुआ है बनाना, तो आगे देखते हैं। तो बस फ्लैट लेवल में स्लो करते हैं, तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय। गाइस देखो मैं बिब्बू को, अगर बिब्बू मेरी बहन होती तो उसको मैं कैसे बनाती, और मम्मी इसके सारे क्लचर लगा दो सर में, इतने सारे एक सर में लग जाएंगे। तो गाइस ये है हमारी छोटी, गाइस ये है बिब्बी, बिब्बू बन गया है बिब्बी।